नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित। 2019 में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उनके पास पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग था। राजभर ने कैबिनेट से इस्तीफा देते हुए लिखा था, सरकार गठन के बाद मुझे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के साथ साथ पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का प्रभार सौंपा गया। सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति अपेक्षित रूप से न किए जाने और पिछड़ी जातियों के 27% आरक्षण के कोटे का बंटवारा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के अनुरूप न किए जाने से पिछड़ी जाति के लोगों में गुस्सा है, इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। बीजेपी गठबंधन में रहते हुए यही कहते हुए राजभर ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि पहले ये खबरें आई थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बर्खास्त कर दिया, लेकिन राजभर ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा सीएम आवास पहुंचा दिया था और बाद में उन्होंने बीजेपी से गठबंधन भी तोड़ लिया, अलग हो गए। 2019 लोकसभा चुनाव भी राजभर ने अकेले लड़ने का ऐलान किया। उसके बाद जो हाल राजभर की पार्टी का हुआ सबने देखा। फिर राजभर नए राजनीतिक समीकरण बनाने में जुट गए, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव सामने थे। 2.5 साल तक बीजेपी सरकार पर खूब मुखर रहे। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने का दम भरने लगे। कभी ओवैसी के साथ गठबंधन की बात करने लगे तो कभी शिवपाल के साथ। आखिरकार अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से बात बन गई और गठबंधन हो गया। राजभर की सुभाषपा को 403 में से 18 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला। जब परिणाम आए तो राजभर की पार्टी के 6 विधायक जीतने में कामयाब रहे, लेकिन सपा गठबंधन सत्ता से दूर रही। सपा के हारने के बाद एक बड़ा सवाल फिर खड़ा हो गया कि राजभर सपा के साथ रहेंगे या फिर उनका साथ छोड़ देंगे। उम्मीद की गई कि 2024 तक ये गठबंधन बरकरार रहेगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि राजभर को बीजेपी से 2019 में गठबंधन तोड़ना अखर रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव 2022 के वक्त जिस तरह से माहौल बन रहा है उससे तो यही लग रहा है कि राजभर फिर से बीजेपी के साथ आना चाहते हैं। सबसे पहले तो राजभर की पार्टी एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे रही है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव पर राजभर हमलावर नजर आ रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा लखनऊ पहुंचे, जहां पर सपा कार्यालय में विधायकों की बैठक बुलाई गई। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें जयंत चौधरी और अखिलेश यादव मौजूद रहे, लेकिन राजभर को मीटिंग में नहीं बुलाया गया। राजभर ने इसके बाद कहा, हम लोग गठबंधन में हैं और रहेंगे, अखिलेश जी चाहें तो हम लोगों को निकाल सकते हैं, ये पूरी तरह से उनकी मर्जी है। शिवपाल चाचा से भी मैंने बात की थी और पूछा बैठक में क्यों नहीं गए आप, तो उन्होंने कहा हमें बुलाया ही नहीं गया तो हम लोग क्यों आए। उन्होंने कहा कि जो हमें बताएगा हम वहां जाएंगे, उन्हें हमारी वोट की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद राजभर शिवपाल ने मन बना लिया कि वो एनडीए के समर्थन में जाएंगे और सीएम आवास पर हुए डिनर में पहुंचकर इस पर मुहर भी लगा दी। और इस तरह से साफ नजर आ रहा है कि राजभर को शायद अब पछतावा हो रहा है बीजेपी से गठबंधन 2019 में तोड़ने का। फिलहाल राजभर अब गठबंधन से शायद निकलने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अखिलेश यादव चाहें तो हमें बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, क्योंकि जैसा लग रहा है उन्होंने हमें बैठक में नहीं बुलाया जबकि हम उनके साथ गठबंधन में हैं, ये सही नहीं है। आपको बता दें कि 2019 में राजभर बीजेपी के साथ हुआ करते थे, बीजेपी में वो कैबिनेट मंत्री भी थे, लेकिन उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले बर्खास्त किया, बाद में खबर आई कि उन्होंने पहले ही इस्तीफा सौंप दिया था। फिलहाल राजभर अब आगे क्या कुछ करेंगे इसका तो किसी को पता नहीं, लेकिन 2022 राष्ट्रपति चुनाव में निश्चित तौर पर एनडीए के समर्थन में वोट करने जा रहे हैं, ऐसे संकेत उन्होंने दे दिए हैं। और साथ में ये भी लग रहा है कि समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन टूट जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ओम प्रकाश राजभर 2019 में बीजेपी से गठबंधन तोड़ने पर अब पछता रहे हैं? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। जब मैं देखता हूं कि अटल जी की पार्टी कहां से कहां पहुंच गई, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इस बार का राष्ट्रपति चुनाव कुछ असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। ऐसा राष्ट्रपति का चुनाव तो कई बार हुआ है, लेकिन इस बार परिस्थितियां बहुत असाधारण है। और असाधारण इसलिए है कि हम देख रहे हैं कि हमारा पूरा समाज जो है वो अशांत हो गया है। ऐसा लगता है जैसे वो 2-3 भागों में बट गया है। ऐसा लगता है कि आपस में जो
बातचीत होती थी, जो डायलॉग चलता था वो समाप्त हो गया है। कहीं कोई किसी को समझाने की स्थिति में नहीं है। बड़ी से बड़ी घटना हो जाती है, प्रधानमंत्री जी जो अक्सर अपने मन की बात करते हैं उन घटनाओं पर चुप रह जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री अगर इन सब घटनाओं पर बोले, अपनी बात रखे, तो उसका असर पड़ेगा मामले को शांत करने में। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि इस पर वो कुछ बोलते ही नहीं है। और जैसा मैंने कहा, एक अशांत और असाधारण परिस्थिति हमारे देश में पैदा हो गई है। इसका कारण और नतीजा क्या हुआ है? इसका नतीजा ये हुआ है कि संविधान जो है उसकी मर्यादा खत्म हो गई। संविधान के मूल्यों की रक्षा आज नहीं हो रही है, बल्कि सरकारी पार्टी के द्वारा और सरकार के द्वारा उन मूल्यों की अवहेलना की जा रही है प्रायः नित्य प्रतिदिन। और अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन हम पाएंगे कि संविधान नष्ट हो गया है, संविधान की धाराओं का कोई महत्व नहीं रहा, और जो नागरिक है इस देश का वो कहीं भी किसी फोरम पर इंसाफ के लिए नहीं जा सकता है। ए सोसाइटी विदाउट रिकोर्स। लोग किसके पास जाते हैं? अपने प्रतिनिधि के पास, अपने क्षेत्र के जो राजनीति में काम करते हैं ऐसे लोगों के पास। किसके पास जाते हैं? मंत्रियों के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? जब वहां से भी न्याय नहीं मिलता है तो कोर्ट की शरण लेते हैं। आज कहीं पर भी ऐसा लगता है कि इंसाफ नहीं मिल रहा है, और मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को कुछ अफसोस के साथ कह रहा हूं। धारा 370 का मामला 2019 में सुप्रीम कोर्ट में गया, आज 2022 है, उसकी सुनवाई कब होगी ये किसी को नहीं पता।